आप इसका क्या फायदा उठाएंगे, ये आपके ऊपर है। भारत के आधे से ज्यादा लोग, मतलब करीबन 50 करोड़ लोगों को इस प्रोग्राम की जरूरत है। किस प्रोग्राम की जरूरत है, क्या करता है प्रोग्राम, आप सब जानते हैं, लेकिन एक फास्ट फॉरवर्ड के अंदर मैं बताना चाहूंगा। द अर्न वाइल यू लर्न प्रोग्राम ऑफर्स, मतलब अर्न वाइल यू लर्न प्रोग्राम के तहत एक सब्सक्राइबर को ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि ई लर्निंग की 200 से भी ज्यादा कोर्सेज की एक्सेस मिलती है। ये कोर्सेज वो कहीं पे भी दुनिया के अंदर बैठ के, अपने घर में, अपने ऑफिस में, इंडिया में, चाइना में, यूएसए में, कहीं पे भी बैठ के किसी भी समय कंप्यूटर के थ्रू लॉगिन करके, हमारे सर्वर से एक्सेस करके वो ये कोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अर्न वाइल यू लर्न प्रोग्राम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, ऑप्शनल। अगर आप इस प्रोडक्ट को, इस प्रोग्राम को अपने ही जैसे लोगों के बीच में प्रमोट करते हैं तो आप टारगेटेड सेल्स अचीव करने पे अच्छी खासी कमीशन पाते हैं। कुछ सालों तक अर्न वाइल यू लर्न प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के बाद सोशल रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, जो सबसे चार अहम चीजें हैं जिंदगी की, वो आपके लिए कॉमन हो जाती हैं। और सबसे जरूरी काम है आपको हाथ पकड़ के चलाने का तरीका सिखाने के एस्टैब्लिश सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग्स। इतने सारे गुरुवर जो आपको प्रेरणा देंगे, जो आपको उत्साह देंगे। याद रखिए, हमारा काम मार्गदर्शन का है, वो मार्ग पे चलना। किसने चलना है? जितना लंबा चलेंगे, जितना निष्ठा से चलेंगे, जितना ध्यान से चलेंगे, जितना सच्चाई से चलेंगे, तरक्की उतनी होगी। ये कुछ कोर्सेज हैं, ये आप सब जानते हैं। मैं चाहूंगा कि ये स्लाइड मैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से बताऊं। हम ई लर्निंग में क्या क्या बताते हैं आपको। आप कंप्यूटर्स के कोर्सेज सीख सकते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज सीख सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाला बोलने का तरीका, उठने का, बैठने का, बात करने का तरीका। इंग्लिश भाषा सिखाते हैं, एक्टिविटी सेंटर्स हैं जहाँ पर आप आपके बच्चे, घर के छोटे, घर के बड़े बैठ के काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। मैथ्स का नया सेंटर है, मैथ्स एक नया सब्जेक्ट हमने लॉन्च किया है जिसके अंदर छोटे बच्चे से लेके 10वीं क्लास तक के बच्चे अपनी मैथ्स की योग्यता टेस्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वर्चुअल ऑफिस है, रिसोर्स सेंटर है जिसमें इंसाइक्लोपीडियाज, मतलब इतना कुछ है वर्चुअल कैंपस के अंदर कि ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वायदा है कि आप एक जिंदगी में तो सब कुछ नहीं सीख सकते। अब प्रोडक्ट है, प्रोग्राम है, जोश है, सिस्टम्स है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। जब मैं आपको कहता हूं कि ई लर्निंग पूरी दुनिया में चल रही है तो यकीन मानिए, आज पूरी दुनिया की सरकारें इस चक्कर में लगी हैं कि किस तरह वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेटेड बताएं, इन्फॉर्म्ड बताएं। पूरी दुनिया का स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, सीनियर सिटीजन हो, कॉलेज गोअर हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, रिटायर्ड ऑफिस वाला, बिजनेसमैन, Anyone and everyone needs our product, क्योंकि हर किसी को एक अच्छी एजुकेशन की तलाश है, चाहे वो कबूल करे या ना करे।
और हर किसी को एक दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी तैयार है, चाहे वो कबूल करे या ना करे। एक पढ़ाई और एक कमाई, ये दो भूख ऐसी हैं जो हिंदुस्तान नहीं, जो हमारे मरते दम तक कभी खत्म नहीं होती। पढ़ाई का मतलब ये नहीं जो बातें हम किताबों से सीखें, पढ़ाई का मतलब ड्यूसॉफ्ट के अंदर एजुकेशन होता है। एजुकेशन जरूरी नहीं किताबों से मिले, एजुकेशन इस बैठे समा के अंदर भी मिलती है। एजुकेशन अपने सीनियर्स को सुनने से मिलती है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज पता करते हैं कि पड़ोस में क्या हुआ, ये सब एजुकेशन और इंफॉर्मेशन का खेल है, जिसके लिए मानव, जिसके लिए ह्यूमन बॉडी बनी है, टू नो एंड टू ग्रो। हमारा प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए बना है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। आप लोगों को तरक्की करने के लिए सही सवाल पूछने होंगे। कुछ जहन में आया तो मैंने लिखा, देखते हैं बात बनती है कि नहीं। अगर हम अपने आप से सवाल पूछें कि ये प्रोडक्ट किसको चाहिए, हु नीड्स दिस प्रोडक्ट, मैं ऐसा किस आदमी को जानता हूं जो ये प्रोडक्ट यूज करेगा, अगर आप ये मझधार में फंसेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपका पर्सपेक्टिव यह होना चाहिए कि जब मैं किसी को प्रोग्राम दिखाता हूं, जब आप किसी को प्रोग्राम दिखाते हैं तो सेल तो होती है। सेल मतलब एक तो होता है ना, आप बोलते हैं सेल क्लोज हो गई या एंट्री निकल गई, कुछ कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। या तो आप उसको कन्विंस कर देते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट ले लो, या वो आपको कन्विंस कर देता है अपने कोई बहाना लगा के कि उसने आज ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। याद रखिए, तरक्की करने के लिए आप सेल्स फोर्स हैं, यू आर सेल्स पीपल। आप बेचने गए हैं, खरीदने नहीं। जिस दिन आप ये बात जहन रख लेंगे, आपकी हर एक सेल, हर एक कोशिश सेल में तब्दील होगी। कुछ टाइम लोग काम करते हैं, सोचते हैं कुछ बन नहीं रहा है, कैन आई डिपेंड ऑन ड्यूसॉफ्ट।